गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 11, हिंदी में चैप्टर नंबर 11, नोना और बारिश पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इस पाठ को पढ़ने के लिए बच्चों, आप सबसे पहले ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर जाएंगे और सबसे पहले हमें गूगल में जाके ऑक्सफोर्ड एडवांटेज टाइप करना है एंड देन आपके सामने ऑक्सफोर्ड एडवांटेज जो साइट है वो ओपन होकर सामने आ जाएगी। इस तरह आप क्लिक करेंगे ऑक्सफोर्ड एडवांटेज पर। अब यहां पर आप अपना लॉगिन नेम डालेंगे यहां आपका पासवर्ड एंड देन साइन इन। अब आप अपनी क्लास चूज करेंगे, देन सब्जेक्ट नाउ क्लिक ऑन माई बुक ऑप्शन। ये आपके बुक आपके सामने चैप्टर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं एंड हम यहां पर अपना जो चैप्टर नंबर 11 है नोना और बारिश वो चूज करेंगे। It will be take some time, students. Now, आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 11 नोना और बारिश ओपन हो चुका है। इस चैप्टर में बच्चों, एक नोना नाम की लड़की होती है जो बारिश से परेशान होकर अपने दादाजी से बारिश के नल बंद करवाने के लिए बोलती है, जिसकी वजह से चारों ओर पानी की कमी हो जाती है। किसान हैं वो परेशान हो जाते हैं, चारों ओर सूखा पड़ जाता है। जंगल के जो जानवर हैं वो भी प्यास के मारे तड़पने लगते हैं, लेकिन बाद में जब सभी उनसे कहते हैं तो वो नल खोल देते हैं और बाद में बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जीने के लिए बारिश और सूरज दोनों चीज़ों की ही ज़रूरत होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है स्टूडेंट्स, चलिए इस स्टोरी को हम रीड करेंगे। यहाँ हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? कहानी के आधार पर बातचीत करना, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखना, पानी के उपयोग पर बातचीत करना, औ की ध्वनि वाले शब्द पहचान कर लिखना। सो लेट स्टार्ट आवर रीडिंग। नोना बारिश से बहुत दुखी थी। एक दिन उसने अपने दादाजी के साथ मिलकर बारिश बंद करवा दी। क्या हुआ होगा उसके बाद, जानने के लिए आइए पढ़ें यह कहानी। तो नोना के बारिश बंद करवाने के बाद क्या होता है, आगे जानते हैं इस कहानी के थ्रू कि क्या होता है। दादाजी, बारिश हो रही है, मैं खेल नहीं सकती, नोना दुखी होकर कहती है। बारिश के नल को बंद कर दीजिए, नोना बोली। नोना कहती है कि दादाजी, मैं दुखी हो रही हूँ, परेशान हूँ, मैं खेल नहीं सकती, इसीलिए आप बारिश के नल जो हैं वो बंद कर दीजिए। तुम ऐसा ही चाहती हो? दादाजी पूछते हैं। दादाजी कहते हैं, क्या नोना तुम ऐसा ही चाहती हो कि बारिश के नल बंद कर दें? वो कहती है, हाँ, और तुरंत, जल्दी ही। दादाजी और नोना बारिश के नल को बंद कर देते हैं। सूरज की रोशनी बिखर जाती है, नोना खुश है और सभी बच्चे खुश हैं। बारिश के नल बंद होने पर नोना और सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, सूरज उनके ऊपर चमकता रहता है। नाउ बारिश बंद होने से देखिए अब किसानों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है।
ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं, आश्चर्यचकित यानी कि बहुत हैरान हैं। उनके हरे खेतों को क्या हुआ, पौधे सूख रहे हैं। वे चमकते सूरज को देखते हैं, तभी ग्राम सिंह के पास उनके दोस्त आ जाते हैं। ग्राम सिंह एक किसान हैं और उनके पास उनके दोस्त आते हैं। उनके हरे भरे जो खेत हैं वो सभी सूख जाते हैं, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। नोना और उसके दादाजी ने यह क्या किया, वो ग्राम सिंह के पास जब उसके दोस्त आते हैं तो वो कहते हैं कि नोना और उसके दादाजी ने ये क्या कर दिया। संता बोला, संता ग्राम सिंह का दोस्त है, उन लोगों ने ही बारिश के नल को बंद किया है। दादाजी और नोना ने बारिश के नल को बंद किया है, चलो चलकर उनसे मिलते हैं। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया यानी फैसला किया, आप बारिश चाहते हैं लेकिन क्यों। ये बात कौन पूछ रहा है, नोना पूछेगी कि आप बारिश क्यों चाहते हैं। देखिए बच्चे कितने खुश हैं, दादाजी पूछते हैं ये बात कि देखिए बच्चे कितने खुश हैं, आप बारिश क्यों चाहते हैं, वो सूरज को पसंद करते हैं। आगे देखिए, शेर खान जंगल में खुद को प्यासा महसूस करता है क्योंकि पानी नहीं है। तालाब में पानी कहाँ है, तालाब का पानी सूख जाता है, वो क्या बन जाता है, केवल कीचड़ बचा रहता है। हिरन उदासी से सिर हिलाते हैं, हिरन भी प्यासे हैं और वो भी उदासी से अपना सिर हिला रहे हैं। तालाब को पानी की ज़रूरत है, बारिश नहीं हो रही है। हाथियों ने कहा, नोना और उसके दादाजी ने ऐसा किया है, चलो उनसे मिलते हैं। तो पहले किसान उनसे मिलने गए और अब जानवर जो हैं वो उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी बच्चों को खुशी देती है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। नोना ने शेर खान और उसके दोस्तों से कहा, नोना ने कहा कि देखिए बच्चे बहुत खुश हैं और सूरज की चमक जो है उन्हें खुशी देती है और वो आपसे संख्या में ज़्यादा हैं और इसीलिए सूरज चमकता रहता है, जो सूरज है इसीलिए वो चमकता रहता है। तभी अचानक से देखिए अम्मा ने पुकारा, कुएं में पानी नहीं है, हम लोग नहा नहीं सकते, कपड़े नहीं धो सकते और खाना भी नहीं बना सकते, हम लोग क्या करें। अम्मा कहते हैं कि कुएं में पानी नहीं है तो ना हम नहा सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में। ओह मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मैं पानी में खेलना चाहती हूँ, नोना ने दुख प्रकट करते हुए कहा। तो अब नोना को ही समझ आ गया कि पानी की कितनी ज़रूरत है और वो कहती है कि मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है और मैं अब पानी में खेलना चाहती हूँ। नोना ने अपने किए पर पछतावा किया, दादाजी बारिश के नल खोल दीजिए। अब वो खुद कहती है कि दादाजी बारिश के जो नल हैं आपने बंद किए थे उन्हें खोल दीजिए। दादाजी और नोना ने मिलकर बारिश के नल को फिर से खोल दिया, फिर तेज बारिश शुरू हो गई। दादाजी देखिए खुशी से, नोना ने कहा, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं, वे काफ़ी खुश हैं, बारिश हो रही है और फिर भी वो खुश हैं। अब नोना और दादाजी बातें करते हैं और कहते हैं कि देखिए बच्चे तो बारिश में भी खेल रहे हैं और वो बारिश में भी बहुत खुश हैं, हमें सूरज और बारिश दोनों ही चाहिए, दोनों में से किसी एक की भी अधिकता अच्छी नहीं है। दादाजी ने बताया, दादाजी ने नोना को समझाया कि जीवन में हर एक चीज़ की जो आवश्यकता है वो संतुलन में होनी चाहिए, जीवन संतुलित होना चाहिए, पानी और बारिश और सूरज ये सभी हमारी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा दादाजी ने नोना को समझाया। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट, आई होप आप सभी को समझ भी आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलिए बच्चों आप इसकी बुक एक्सरसाइज जो है उसे डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ते लिखते पोर्शन में हम यहाँ देखेंगे कि कहानी के अनुसार नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही क्रम संख्या लिखें। तो यहाँ पर आपको ये जो वाक्य आए हैं कहानी में, पहले नंबर पर कौन सा वाक्य आया है, दूसरे पर कौन सा आया है, ये यहाँ आपने फिल करना है। सबसे पहले आपको दिया गया है हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए, तो ये बात सबसे लास्ट में हुई थी, अभी इसे फिल नहीं करेंगे। सबसे पहले कौन सी बात हुई थी, तुम ऐसा ही चाहती हो दादाजी पूछते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस। नेक्स्ट इज ग्राम सिंह वाला एक्शन हुआ था, ग्राम सिंह आश्चर्यचकित हैं, तो सेकेंड नंबर पर ये। थर्ड इज
तालाब को पानी की ज़रूरत है, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ पर कुएं में पानी नहीं है अम्मा ने जब बोला था ये बात थी, और लास्ट में हमें सूरज और बारिश दोनों चाहिए, लास्ट में ये बात बोली गई थी। तो इस तरह आपने इन ऑप्शंस को फिल करना है। नाउ दिए गए वाक्य किसने और कब कहे ये आपको बताने हैं। लेसन आपने रीड कर लिया है और आपको पता होना चाहिए कि ये बात किसने और कब कही थी। देखिए सबसे पहले दिया गया है मैं खेल नहीं सकती, तो ये बात किसने कही थी, नोना ने। कब कही थी, बारिश को देखकर, जब बारिश हो रही थी। नेक्स्ट है पौधे सूख रहे हैं, ये बात किसने कही, ग्राम सिंह ने। और कब कही, जब पेड़ पौधे सूख रहे थे, पेड़ पौधों के। नेक्स्ट तालाब को पानी की जरूरत है, ऐसा किसने कहा, हाथियों ने। जब तालाब का पानी सूख गया था और तो सभी जानवरों को प्यास लगी थी, और कब कहा था, जब शेर खान के तालाब के बारे में पूछा गया था कि शेर खान के तालाब में से पानी कहाँ चला गया, जानवर बात कर रहे थे, तब की बात है ये, शेर खान के तालाब के बारे में पूछने पर। नेक्स्ट इज हम लोग स्नान नहीं कर सकते, ये बात किसने कही थी, अम्मा ने कही थी। सूखे कुएं को देखकर ये बात बोली थी, सूखे कुएं को देखकर। तो इस तरह ये आप अपनी एक्सरसाइज फिल करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है शब्दों का पिटारा, डॉक्टर, मॉल, शब्दों में अ की ध्वनि आती है, अ की ध्वनि आती है, इसका प्रयोग अधिकतर अंग्रेजी के लिए प्रयोग किए गए शब्दों में किया जाता है। जैसे ऐसे ही तीन शब्द आपने लिखने हैं, तो वो तीन शब्द आप कौन कौन से लिखेंगे बच्चों, अ की ध्वनि वाले शब्द। अ की ध्वनि से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं हॉकी, कॉलेज, पॉलिथीन। तीन शब्द आपने लिखने थे, तो आप ऐसे ही तीन शब्द और भी कोई लिख सकते हैं, मैंने आपको ये लिखकर बताए हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आकाश में, भाषा से है ये पोर्शन, भाषा से है, आकाश में काले काले बादल छा गए हैं और फिर जोर जोर से पानी बरसने लगा। काले काले और जोर जोर से, इन शब्दों की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषता बताने वाले शब्द कहा जाता है। यानी कि एक तरह से आपको विशेषण की परिभाषा दी गई है, ये कि विशेषण क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। यानी ऐसे शब्द जो नाम वाले शब्द, या फिर नाम वाले शब्दों की जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी सर्वनाम शब्द, यह, वह, मैं, तुम, हम, वो, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ऐसे शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर काले काले और जोर जोर से, ये सब विशेषण बताने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कुछ शब्द जो हैं, जैसे पानी है, तो पानी की क्या विशेषता हो सकती है, ये आपने लिखना है। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह से, ठंडा, ठंडा ठंडा पानी,
उसके बाद रंग बिरंगी तितली की विशेषता क्या हो गई? रंग बिरंगी तितली। पेड़ की विशेषता हो गई हरे भरे पेड़। खाना, गरम गरम खाना। खाने की विशेषता हो गई कि वो बहुत गरम है, गरम गरम खाना। नेक्स्ट इज चीनी। चीनी कैसी होती है? मीठी होती है, तो हम लिख देंगे कि मीठी मीठी चीनी। कलम, कलम सुंदर हो सकती है, तो सुंदर सुंदर कलम। तो इस तरह इन शब्दों की विशेषता, ये विशेषताएं इनकी मैंने ली हैं। आपको कोई और विशेषता नज़र आ रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मुझे आप कॉपी करें। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।